दोस्तों स्वागत है आप सबका मेटॉक के और एक एपिसोड में, और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट आ रही है दोस्तों मैनकाइंड फार्मा के बारे में, और ये अपडेट आ रहा है दोस्तों उनके ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन इंडिया के बारे में। मैनकाइंड फार्मा ने यहाँ पे लॉन्च किया है यहाँ पे इनफर्टिलिटी वाला ड्रग इंडिया में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से यहाँ पे इनफर्टिलिटी डिपार्टमेंट या फिर इनफर्टिलिटी सेक्टर में थोड़ा सा एक और ड्रग की ऐड हो जाएगी। हालांकि मैनकाइंड फार्मा जो है इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल हब मानी जाती है, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, और एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। दूसरा जो अपडेट है यार दोस्तों 60% राइज इन निमोनिया केसेस के बारे में, और अपडेट आ रहे हैं दोस्तों गुरुग्राम सिटी के बारे में। हालांकि ये अपडेट जो है ये यहाँ पे सिर्फ एक सिटी के बारे में नहीं, बहुत सारी सिटी में ऐसे केसेस होते हैं। जब भी चेंज ऑफ मानसून, चेंज ऑफ समर होता है, तो ऐसे केस में यहाँ पे डिसीजेस उस स्टेट में उस टाइम पे बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में बहुत सारे स्टेट ऐसे भी है इंडिया के जहाँ पे आज की डेट में विंटर की वजह से 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे निमोनिया के केसेस देखे जा रहे हैं, जो कि बहुत सीरियस बात भी है। हालांकि निमोनिया के बारे में मैंने आपको बहुत बार बात की है, एडल्ट निमोनिया की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है, डेथ हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो अपडेट है यार दोस्तों जीएसके कंपनी के बारे में। जीएसके ने यहाँ पे एफडीए के पास यहाँ के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, और ये जो अप्लाई किया ये किया है दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टिगेशनल एचआईवी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर जीएसके को परमिशन मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा अपडेट होगा जीएसके लिए, बहुत बड़ी प्रॉफिट की बात भी होगी, क्योंकि एचआईवी का ड्रग अगर अप्रूवल मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। या फिर दोस्तों चौथा जो अपडेट है यार दोस्तों एशिया के बारे में, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ऐसे एक स्टडी किया गया था जीन्स के बारे में, ऐसा देखा गया था कि एशिया के लोगों के जीन्स में लगभग एटलीस्ट 10 एंसरल लीनेज अवेलेबल है। हालांकि ये एंसेंट्रल लीनेजेस क्या होते हैं, ये होते हैं दोस्तों डिफरेंसेस होते हैं हमारे जो कॉन्टिनेंट होता है, बाकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट होता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट होता है, इन कॉन्टिनेंट वाले लोगों के जीन्स में डिफरेंसेस होते हैं। कई बार जीन्स में इतने डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन जो हिस्ट्री के डिफरेंसेस होते हैं वो ज़रूर होते हैं। तो इस ऐसी केस में यहाँ पे इन डिफरेंसेस को देखा गया था, और ऐसा देखा गया कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों में सिर्फ 1 एंसेस्ट्रल लीनेज के डिफरेंसेस है, और एशिया के लोगों के में लगभग 10 एंसेस्ट्रल लीनेज के डिफरेंसेस है। अभी दोस्तों पांचवा जो अपडेट है यार दोस्तों फिर से इंडिया के बारे में, और अपडेट आ रहा है दोस्तों मलेरिया केसेस के बारे में। ऐसे एक रिपोर्ट ने शो किया कि इंडिया में 2018 में लगभग 28% से रिडक्शन हुआ है मलेरिया के केसेस में, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन हालांकि इंडिया में मलेरिया तो कम हो गया, लेकिन पिछले साल 2019 में डेंगू के केसेस बहुत बढ़ गए। यहाँ पे दोस्तों सिक्स जो अपडेट है यार दोस्तों लंग कैंसर के बारे में। ऐसे एक रिपोर्ट ने शो किया कि यहाँ पे 1/3 ऑफ लंग कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कैंसर जो बीमारी है वो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी मानी जाती है, जिस वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसी केस में इन चीज़ों को जब डिटेक्ट होता है तो उन पेशेंट्स को यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। और उसी के बारे में एक सीरियस नोट है कि बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन का शिकार यहाँ पे लंग कैंसर वाले पेशेंट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट जो अपडेट है यार दोस्तों टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में, और अपडेट आ रहा है दोस्तों उनके पेडियाट्रिक कैंसर यूनिट के बारे में। टाटा मेमोरियल सेंटर ने यहाँ पे 3 और नए यहाँ पे कैंसर की यूनिट पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए ओपन किए, जो कि बहुत बड़ी बात है। टाटा मेमोरियल सेंटर जो है बहुत अच्छे काम करता है, लोगों को बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी सर्विसेज देता है। इसके लिए हॉस्पिटल जो है ये पूरी दुनिया में जाना चाहता है, और एक बहुत बहुत अच्छा अपडेट आ रहा है। ये थे मेडिकल दुनिया के अपडेट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, और अगर आपको लग रहा है इस चैनल में अच्छा सा कंटेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।